भिलाई नगर व छत्तीसगढ़ प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाली प्रदेश की एकमात्र शिक्षिका सुश्री के शारदा, जिनको शिक्षक दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। उनका सम्मान उनके निवास पर सामाजिक संगठन सर्वधर्म सेवा संस्था द्वारा शॉल श्रीफल भेंट कर किया गया। भिलाई नगर व छत्तीसगढ़ प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाली प्रदेश की एकमात्र शिक्षिका सुश्री के शारदा, जिनको शिक्षक दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। उनका सम्मान उनके निवास पर सामाजिक संगठन सर्वधर्म सेवा संस्था द्वारा शॉल श्रीफल भेंट कर किया गया। इस मौके पर संस्था के सामाजिक कार्यों से प्रभावित होकर सुश्री के शारदा ने मानव कल्याण हेतु अपना नेत्रदान का संकल्प भी किया। उनके इस महादान के हेतु संस्था को माध्यम बनाने के लिए अध्यक्ष प्रतीक भोई ने आभार भी व्यक्त किया। इस मौके पर अध्यक्ष प्रतीक भोई, महासचिव राकेश रत्नाकर, घनश्याम पांडे, रमेश प्रजापति, समाज सेविका बी पोलम्मा, के गुम्माड़ी, सावित्री राजा राव, अनुराग गौरव, लतिका टी जी राव, डॉक्टर बी एस मूर्ति आदि शामिल रहे। नमस्कार, मैं के शारदा, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खेदामारा, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट दूर, स्टेट छत्तीसगढ़ से। मुझे अभी 5 सितंबर को नेशनल टीचर अवार्ड मिला था और मुझे बहुत खुशी है आज सर्वधर्म सेवा संस्थान से मुझे मिलने का अवसर मिला। इनके कार्यों से मैं प्रेरित होकर मैं स्वयं नेत्रदान का संकल्प ली हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि इस काम में मैंने भी कुछ सहयोग रहा। तो मुझे सर लोगों के और इनकी संस्था के कामों को देखकर बहुत ही अच्छा लगा और मैं भी इनके साथ जुड़ना चाहती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक भोई है, मैं अध्यक्ष हूँ इस संस्था का। ये हम भली भांति जानते हैं कि जो वर्तमान स्थिति है हम सबके स्वास्थ्य की, ये आने वाले समय में धीरे धीरे और गंभीर होती जा रही है, आने वाले समय में और इसकी गंभीरता बढ़ती जाएगी। इसलिए अंग दान और देह दान अति आवश्यक है। आज हम के शारदा जी के यहाँ उपस्थित हुए हैं उनको सम्मानित करने हेतु। राष्ट्रपति जी उन्होंने सम्मानित किया था, संस्था की ओर से हमने सम्मानित किया और आज इस अवसर पर के शारदा जी ने अपने नेत्रों का दान किया, संकल्प किया। हम उनका धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं कि उन्होंने इस महान कार्य के लिए हमारी जैसी छोटी संस्था को माध्यम बनाया। आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अंगदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान हम बचा पाएँ। धन्यवाद। उल्लास कार्यक्रम साक्षरता की इसमें मुझे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। मैं सर्वधर्म सेवा संस्था के कार्यों से बहुत दिनों से परिचित हूँ और इनके जो कार्य हैं ये समाज के लिए बहुत ही योगदान और महत्वपूर्ण है। समाज को अगर आगे बढ़ना है तो सर्वधर्म संस्था के साथ जुड़ करके काम करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमने भी एक पुनीत काम में एक छोटा सा आहुति दी है। तो उस इसमें हमने तो देहदान किया हुआ है। मैं और भी बाकी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप लोग भी इस महान काम में योगदान दें और सर्वधर्म सेवा संस्था के साथ जुड़कर उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके कार्यों में सहयोग दें। धन्यवाद। एसीएन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।